हालेलुया लॉर्ड जीसस, स्तुति हो प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद हो थैंक यू जीसस। महिमा करते हैं प्रभु, तारीफ करते हैं खुदा जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं। धन्यवाद यीशु, एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं, आपकी संगति में आते हैं और सच्चाई से आपको पुकारते हैं, आपको आवाज़ देते हैं। सुनिए प्रभु और ग्रहण करके उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। हाँ, हमारे प्रार्थनाओं का, विनतियों का जवाब प्रभु जी हाँ आमीन में दीजिए। धन्यवाद पिता, आपने फिर सुंदर शाम, सुंदर संध्या काल प्रभु दिखाए हैं, आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी प्रभु हमें दिए हैं। और प्रभु जी, अभी तक आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है, पूरे रात्रि आप संभालेंगे, आने वाले कल में भी प्रभु जी आप ही का अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में, हमारे ऊपर बना रहेगा। इसके लिए धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, गाइड कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अस्तुति हो, 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 अस्तुति हो। महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी। श्राप के बंधन को तोड़ने वाले खुदा, शैतान के बेड़ियां जंजीरों को टुकड़ा टुकड़ा करने वाले खुदा, आपकी स्तुति करते हैं। ना सुने से हमें बचाने वाले, हमें जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। पूरे दिन संभालने वाले यीशु, पूरे रात्रि भी आप ही संभालेंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनके अंदर बेचैनी है प्रभु जी, घबराहट है, डर की आत्मा है, जिनका मन प्रभु जी व्याकुल हो रहा है, उनके लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं। जो डिप्रेशन में है, तनाव में है, चिंतित हैं, जिनको फालतू सोच आते हैं स्वर्गीय पिता, उनके लिए भी प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु छू लीजिए और प्रभु छुटकारा दीजिए। हाँ खुदा, छुटकारा दीजिए खुदा, ताकि उनके जीवन से आपकी स्तुति हो सके, आपकी महिमा हो सके, आपकी तारीफ हो सके, आपकी बड़ाई प्रशंसा हो सके, वो लोग आपके नामों को ऊंचा उठा सके और ऊंचा कर सके। सबों के जीवन में तू काम कर। रोग से प्रभु जी, श्राप से, शैतान से एक एक को छुटकारा दे, एक एक को प्रभु जी मुक्त कर, आजाद कर, स्वतंत्र कर। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, सबके सब प्रभु जी अपने जीवन में आपके आशीष को देखें, आपकी चैन शांति को देखें, आनंद को देखें। सहायता कीजिए, जो एग्ज़ाम दिए हैं स्वर्गीय पिता, अच्छे नंबरों से पास कीजिए। जिनका एग्ज़ाम चल रहा है, उनके दैनी और बैठ करके उनका गार्ड कीजिए। स्तुति करते हैं प्रभु जी, जो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, उनके फेल को पास में बदल। जो इंटरव्यू दिए हैं, गुड न्यूज़ दे प्रभु। अनुग्रह कर, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उनको प्रभु उनके सारे कामों में, सारे कार्यों में सफलता दीजिए। हाँ प्रभु जी, सफल कीजिए, ताकि उन लोग आपकी महिमा करें, पौधों के बीच में आपकी बड़ाई करें, आपके नाम की प्रशंसा करें, आपके नाम को आदर देवे, आपका सम्मान करें। सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी। आपकी इच्छा से प्रभु जी, आज के आनंदमय दिन के साथ आनंदमय रात्रि भी हम देखें। हे प्रभु जी,
होने दीजिए प्रभु जी आपकी इच्छा चाहत मर्जी। एक और नए दिन में हमें जगाए, हमारे आँखों को खोले प्रभु। एक और नए दिन आपका अनुग्रह दया कृपा प्रभु तक करुणा हमें दिखाए। एक और नए दिन में प्रभु जी आप हमें लेकर आए स्वर्गीय पिता। इसके लिए आपसे दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। और होने दीजिए वो दिन प्रभु जी, हमारे जीवन में आने वाला दिन हजारों गुना खुशियाँ लेकर आने पाए। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए खुदा। स्तुति हो प्रेज द लॉर्ड। सहायता कीजिए मेरे प्रिय। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। हाँ, प्रभु के वचन को देखेंगे। जो वचन हम देखने वाले हैं, जो वचन हम पढ़ने वाले हैं, आज के समय में, आज की सुंदर संध्या काल में, आज के आनंद में, रात्रि के इस सुनहरा अवसर पावन बेरा में, जिस वचन के ऊपर हम मनन करने वाले हैं वो वचन है भजन संहिता 51 अध्याय के उसका 17 पद। इसमें लिखा है कि परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। मेरे प्रियो, हर किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति हालातें उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें कुछ नहीं सोचता कि क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आंसू बहाकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि राजा हिजकिया भी ऐसा ही किया था। जब आप दूसरा राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 1 से वचन को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है राजा हिजकिया ऐसा रोगी हुआ, ऐसा बीमार हुआ, वो मरने पर था। खुद परमेश्वर ऐसा के द्वारा राजा हिजकिया से बोल दिए थे कि अब तू नहीं बचेगा, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा तू देना चाहता है तू दे दे, क्योंकि अब तू मर जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। राजा हिजकिया क्या किया ऐसी परिस्थिति हालात में? क्या किया? लिखा है मेरे प्रियो, अपने मुख को दीवार की ओर किया और बिलख बिलख कर रोने लगा, फुट फुट कर रोने लगा, आंसू बहाने लगा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा, दुआ करने लगा। हाँ, उसी प्रभु से, उसी परमेश्वर से जो परमेश्वर बोले थे कि अब तो नहीं बचेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या हुआ? परमेश्वर उसके आंसू को देखे, उसके प्रार्थना को सुने और तुरंत अपने फैसला को बदल दिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है ऐसा राजा हिजकिया के आंगन में ही था कि परमेश्वर ऐसा से बोले, जाओ हिजकिया से कह दो कि परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, तुम्हारे आंसू को देखा है, अब वो तुझे चंगा करेगा और तेरे आयु को और 15 वर्ष बढ़ाएगा, अब तू नहीं मरेगा, तू जीवित रहेगा और मेरे भवन में जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हर एक कठिन परिस्थिति हालातों में, मुश्किल घड़ी में क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब आपको कुछ नहीं सूझता क्या करना चाहिए, उस वक्त प्रार्थना करना है, आंसू बहाकर। हाँ, आंसू बहाकर, रो रो करके, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके, बिलख बिलख करके प्रार्थना करना है। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके आंसू को देखेगा और पूछेगा भी। राजा हिजकिया की प्रार्थना को सुना, आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा? वो सबों के लिए भला है जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं,
उन सबों के निकट और आता है। सच्चाई से पुकारिए, आवाज दीजिए, प्रार्थना में संदेह को मत लाइए, विश्वास से प्रार्थना कीजिए, आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, 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 आपकी महिमा हो। लॉर्ड जीसस, मेरे प्रियो, आप हार चुके हैं, टूट चुके हैं, हिम्मत रखिए, परमेश्वर जानता है। हाँ, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर आपके हार को जीत में बदलेगा, आपकी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ेगा, फिर से आपके अंदर हौसला को उत्पन्न करेगा और आपको आगे की ओर बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थिति हालातों को ठीक करेगा, आपके जीवन में जो मुश्किल घड़ी चल रहा है उस मुश्किल घड़ी को निकाल करके अच्छे वक्त, अच्छी घड़ी, अच्छे समय पल को आपके जीवन में देगा। हालेलुया, आपके जीवन में लाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। लॉर्ड जीसस, तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, गाइड करने वाले खुदा धन्यवाद देते हैं, तरस खाने वाले, प्रभुता करने वाले, शुद्धि लेने वाले प्रभु धन्यवाद करते हैं, सहायता कीजिए। राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनने वाले, उसके आंसू को पोछने वाले खुदा, उसको चंगा करके उसके आयु को बढ़ाने वाले हे खुदावन, सहायता कीजिए। जितने लोग प्रभु आपके हजूरी में, आपके संगति में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जिनकी जीवन की परिस्थिति हालात ठीक नहीं है प्रभु, ठीक करने के लिए, सही करने के लिए, अपनी बिगड़ी बनाने के लिए, उलझन सुलझाने के लिए जो लोग प्रभु आपके सामने घुटना टेकते हैं, हाँ घुटना टेकते हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाते हैं, उनके ऊपर तरस खाइए, उनके ऊपर प्रभुता कीजिए, उनकी सुधि लीजिए। लॉर्ड जीसस, स्तुति हो, थैंक यू जीसस, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, मददगार खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। जिस मुश्किल में, जिस परिस्थिति में, हालातों में ये भाई ये बहन फंसे हैं प्रभु, परीक्षा मुसीबत में, समस्या उलझन कलेश में फंसे हैं, उसमें से प्रभु जी इन्हें बाहर, हाँ इन्हें बाहर निकलने में इनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, गाइड कीजिए खुदा, इनके साथ दीजिए, इनका सहारा बनिए, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर यीशु। स्तुति हो पिता, अनुग्रह कीजिए, दया करने वाले प्रभु अनुग्रह कीजिए, कृपा प्रभु तक करुणा करने वाले अनुग्रह कीजिए, तरस खाने वाले, सुधि लेने वाले अनुग्रह कीजिए, आपकी स्तुति हो पिता, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, गाइड कीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के शाम में जितने लोग, जितने जन प्रभु, हाँ जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उन सबों पर आपका ध्यान रहे, आपका दृष्टि रहे, हाँ दया की दृष्टि, कृपा प्रभु तक करुणा की दृष्टि रहे। प्रभु वचन कहता है, भजन संहिता 51 अध्याय के 17 बोलता है कि आप टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानते। अनुग्रह कीजिए प्रभु, लाचारों की ओर प्रभु जी अपने मुख को कीजिए स्वर्गीय पिता, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, टूटे और पीसे मन वालों की सुधि लीजिए प्रभु, उनके ऊपर प्रभुता कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आंसू को पोछिए प्रभु, ओठों को हंसी से भरिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। बीमारों को चंगा कर, कठिन परिस्थिति हालातों को चेंज कर, मुश्किल घड़ी को प्रभु खत्म कर दे, सारी समस्याओं को, हाँ सारी समस्याओं को खत्म कर, सारे उलझन को सुलझा, दिक्कत परेशानी को खत्म कर,
स्तुति हो पिता सहायता की से। राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनने वाले हमारे साथ जितने लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं और अपने मुंह को खोल करके आपसे जो कुछ भी मांग रहे हैं, आपसे प्रार्थना विनती दुआ याचना कर रहे हैं, उन सबों की सुनिए और उत्तर भी दीजिए। हजाबा भी दीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बढ़ाई करते हैं। सहायता कर पिता, कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय में दिए हैं, उन सबों के दिए हुए प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय आपकी हजूरी में हम रखते हैं, उस पर दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे। धन्यवाद के तूने दिया, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, गाइड कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु। पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद प्रभु, सुख शांति चैन की नींद, सुकून भरी नींद एक एक को दीजिए, ताकि प्रभु जी सब प्रभु जी आपकी महिमा करें और आपकी इच्छा प्रभु कि सबके सब, हाँ हम सबके सब और हमारा परिवार भी एक एक मसीह भाई बहन उनका पूरा फैमिली भी एक और नए दिन में प्रवेश करे आए प्रभु जी, और उसमें आपकी महिमा करें, सहायता कीजिए प्रभु जी, आपकी तारीफ करें, आपकी बढ़ाई करें, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। धन्यवाद यीशु, आप हमारी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने, दुआ याचनाओं को सुने प्रभु जी, विनती को सुने, ग्रहण किए और उत्तर भी दिए प्रभु, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए इस प्रार्थना को, जितने रिसीव किए हैं उनका जो प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए, जो बिगड़ी हो बन जाए, उलझन है सुलझ जाए, समस्याएँ हल निकले, हाँ उस समस्या का समाधान हो, दुखों का निवारण हो, दर्द पीड़ा खत्म हो जाए, रोग बीमारी खत्म हो जाए, एक्सीडेंट खतरा दुर्घटना किसी के साथ ना होने पाए, कोई परीक्षा में मुसीबत में ना फंसे, सारे कलेश से प्रभु छुटकारा दीजिए, सारे दिक्कत परेशानी से प्रभु छुटकारा दीजिए। तू महान है खुदा, तेरी महानता के लिए लाखों लाख कोटि कोटि तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे असीम प्यार दुलार के लिए प्रभु लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते, अपना प्यार अपना दुलार अपना आशीर्वाद प्रभु एक एक को दीजिए, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सबों को दीजिए, ताकि सब आगे बढ़े अपने मंजिल को पाए, सहायता कीजिए, अपने कामों में कार्यों में सफलता को पाए, सबों के स्थान को पद को प्रभु से ऊँचा कीजिए। धन्यवाद कि तूने किया, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते महिमा करते प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन में शामिल होइए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। कल सुबह 4 बजे के प्रार्थना और वचन में जरूर बनिए, प्रभु के काम को आप देखिएगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है प्रार्थना भी से है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ करते हैं। आपका प्रार्थना भी से प्रार्थना निवेदन प्रभु के हजूरी में रखकर प्रभु से विनती याचना करते हैं, उसका उत्तर प्रभु देगा। प्रभु में धीरज धरिए, प्रभु आपको संभाले, आपका ख्याल रखे, पूरे दिन आपको संभाला, आपके परिवारों को संभाला, पूरे रात्रि भी वहीं संभालेगा मेरे प्रियो। सोने से पहले, अपने बिछौने में जाने से पहले, अपने बिस्तर पर जाने से पहले कुछ वक्त कुछ समय घड़ी पल प्रभु को जरूर दीजिए, यानी कि प्रभु से प्रार्थना जरूर कीजिए, प्रभु के वचन को जरूर पढ़िए। कोई डरावना बुरा सपना नहीं आएगा, रात के अंधेरों से आप नहीं डरेंगे, कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, रोग बीमारी उत्पन्न नहीं होगा, शैतान अटैक नहीं करेगा, तंत्र मंत्र जादू टोना आपके ऊपर सफल नहीं होगा। आपके प्राण के हानि के लिए जितने भी हथियार बनाए गए होंगे उनमें से एक भी आपके ऊपर सफल नहीं होगा, प्रभु और प्रभु का दूत आपका ख्याल रखेगा। प्रभु हाँ प्रभु आपको अपने पनाह में सुलाएगा, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपको और आपके परिवार को
ढेर सारी खुशियाँ देवे, आनंद सुख देवे, आपके परिवार के कलेश को, घर परिवार के कलेश को खत्म करे, ढेर सारी आनंद आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में भर दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।